स्वागत है आपके हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बताने वाले जो बीएड होती है उसमें आपके प्रैक्टिकल के लिए एक महत्वपूर्ण डायरी होती है, वार्षिक पाठ्यचर्या डायरी। उसके बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो। तो जो वार्षिक शिक्षण या वार्षिक पाठ्ययोजना की जो डायरी मिलती है वो कुछ इस प्रकार दी जाती है कॉलेज के द्वारा। इस पर सर्वप्रथम कॉलेज का नाम लिखा होता है एंड जो डायरी उसका नाम वार्षिक शिक्षण पाठ्ययोजना लिखा होता है, यानी कि फाइनल लेसन डायरी। फिर आपको पाठ्यक्रम में जो भी आपका बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो सकते हैं सत्र, जैसे अभी फिलहाल 21-22 है तो वहाँ पर अपने साथ लिखते हैं छात्र अध्यापक का नाम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अनुक्रमांक में जो भी स्टूडेंट के रोल नंबर है कॉलेज के अंदर वो आएंगे। शैक्षणिक विषय में दोस्तों जो आपकी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में है जैसे 1 या 2 में वो आपकी शैक्षणिक विषय आ जाएगी। और प्रकरण में जो भी जिस भी पाठ्यक्रम का प्रकरण बना रहे हैं वो आएंगे। दोस्तों हम जैसे डायरी से शुरुआत करते हैं वार्षिक पाठ्यक्रम। सबसे पहले ये फॉर्मेट होता है, पहले 2 पृष्ठ जिन पर दोस्तों आपको पता होगा कि जो डेली लेसन प्लान डायरी बनती है उसमें भूगोल, सामाजिक अध्ययन और साइंस की जो भी सब्जेक्ट कॉमर्स वगैरह होती है उन सबके 10 पेज के लेसन प्लान बनते हैं, जबकि जो हिंदी होती है उसमें लगभग 12 पेज का लेसन प्लान बनता है। दोस्तों आज हम भूगोल के प्रकरण जैव मंडल के का जो लेसन प्लान उसके बारे में बताने वाले। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, फिर जो भी आपके विषय वो प्रकरण जिसके बारे में आप लेसन प्लान बना रहे हैं काला भी। उसके बाद दोस्तों आपको इस पेज में पहले पेज में शैक्षणिक उद्देश्य और विशेष उद्देश्य लिखने होते हैं, जैसे ज्ञान अवबोधन के बारे में। तो जो दूसरा पेज होता है उसमें आपको सहायक सामग्री और शैक्षणिक सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं जो हमारे जैव मंडल के प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना प्रश्न कभी भी 5 प्रश्नों से कम नहीं होने चाहिए, ये 5 से 7 के बीच में बना सकते हैं। दूसरे पेज में दोस्तों जो हमारा तीसरे पेज में दोस्तों हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है प्रस्तुतिकरण में उसमें जो आपका पहला शिक्षण बिंदु है वो आ जाएगा। तो दोस्तों मैं SS साइंस या भूगोल विषय के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों हमारा पहला शिक्षण बिंदु था स्थल मंडल। उसके बाद दोस्तों उसमें शिक्षण उद्देश्य में ज्ञान में आपके विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। फिर अवबोध में आपको छात्र कथा जो भी आपकी विषय वस्तु है वो आपकी थोड़ी बहुत यहाँ लिखनी होती है। अवबोध में आपको प्रश्न लिखने होते हैं। फिर दोस्तों तीसरे पेज में जस्ट सामने आपको छात्र क्रिया में विकास प्रश्न के उत्तर है वो देने होते हैं। फिर दोस्तों आपको पता होता है कि तीनों शिक्षण उद्देश्यों में आपको 3 मिनीचर यानी कि छोटे चित्र लगाने पड़ते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं इस प्रकार। और आपको साथ में दोस्तों सांपट्य कार्य भी करना होता है। ऐसे ही दोस्तों आपको तीनों शिक्षण बिंदु लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारा वायुमंडल और तीसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है जलमंडल। दोस्तों इस प्रकार तीन शिक्षण उद्देश्य के बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है। दोस्तों जो हमारा वार्षिक डेली असर पाइंग डायरी होती है उसमें हम 9वें पेज पर मूल्यांकन प्रश्न रख लेते हैं। दोस्तों इसमें विशेष ध्यान रखना है सामान्य वार्षिक पाठ्य डायरी में आपको मूल्यांकन प्रश्न के बजाय यहाँ पर सांपट्य सार लिखना है। जो भी आपके तीनों शिक्षण बिंदु होते हैं उनको तीनों को सांपट्य सार में ब्लैक कार्ड से लगकर आपको लिखना होता है थोड़ी बहुत जानकारी। और 10वें पेज पर दैनिक परीक्षण टिप्पणी के लिए छोड़ देते इसमें आपको यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न लिखने कुछ इस प्रकार। दोस्तों आई होप आपको जो डायरी है वो तरीके से समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देता है। आपसे आने वाले समय में काफ़ी और भी बीएड की डायरी संबंधित वीडियो आती रहती है इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।